दोनों लीड हो रहे हैं व्हेल वॉचिंग के लिए, बच्चे तो स्लो वॉक कर रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है, बस ये कि बड़ा का सनाया को भी थोड़ा दिखना पड़ेगा। कैसा लग रहा है फोटो? डॉल्फिन तो नजर आ गई है ना, wow they are jumping now, they are enjoying the dolphin watching। मैं बुराक तो आगे बैठ गए हैं अंदर क्योंकि हवा चल रही है तेज। इनके पास देखें स्नैक्स वगैरह भी है, अगर आप कुछ लेना चाहें कॉफी भी है। सो वी डू हैव अहमद एंड मोहम्मद एंड अब्दुल रहमान फ्रॉम सऊदी अरब। शी इज सो एक्साइटेड। ये बेलबो फन जोन है, बुराक सनाया को यहाँ आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और नए व्लॉग के साथ, दिस इज केके और दिस इज शर्मीन। आज का व्लॉग बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा होने वाला क्योंकि हम आपको लेके जा रहे हैं व्हेल वॉचिंग एंड डॉल्फिन वॉचिंग पे। तो हमारा काफ़ी टाइम से ड्यू था ये ट्रिप क्योंकि लास्ट ईयर जब हमें हरिकेन की वजह से ट्रिप कैंसिल हुआ था तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री पासेस मिले थे लेकिन बस मौका नहीं मिल पा रहा था हम लोगों को। तो आज हमें फाइनली मौका मिला है तो चलिए आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। यस वी आर सो एक्साइटेड एंड स्टे विद अस। आज फ्राइडे था लेकिन लकीली हमें जो है फ़ौरन ही पार्किंग मिल गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पार्किंग में बहुत टाइम लग जाएगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन पार्किंग मिल गई है। ये पार्किंग मीटर है इनका और हमने ये लाइक $2.30 पे किए हैं लाइक 5:59 PM तक के और लाइक 35 मिनट की मैंने इसकी पेमेंट की है। बाकी जो है 6 बजे के बाद पार्किंग फ्री है और ये है पूरी पार्किंग लॉट। बस ये है कि पार्किंग लॉट छोटी है तो मुश्किल से मिलती है लेकिन शुक्र है कि हमें मिल गई है पार्किंग। और शर्मीन और बुराक और सनाया अभी गाड़ी में है तो हमारे पास 30 मिनट है तो हम जाके चेक इन करते हैं। बुराक सनाया आर यू एक्साइटेड? Yes, let's go। सामने ये आ गया है बेलबोआ पवेलियन तो हम लोग बस पहुंच गए हैं तो अभी चेक इन प्रोसेस करना है हमें। लेट हो रहे हैं व्हेल वॉचिंग के लिए, बच्चे तो स्लो वॉक कर रहे हैं, मैंने बुराक को गोद में लेना पड़ा। ये इनका ऑफिस है न्यूपोर्ट लैंडिंग का और ये जो है बेलबोआ फेरी का जो स्टेशन है या स्टॉप है तो फेरी टर्मिनल के साथ ही है बिल्कुल। और ये इनका स्केड्यूल है, आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं। इनकी इनकी जो वेबसाइट है newportvios.com पे जाके। और ये है सारा, अब हम चेक इन कर रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी रश हो रहा है, समर की वजह से काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये देखिए पीछे यहाँ पे लाइन लगी हुई है चेक इन पे तो बस हम लोग अभी चेक इन करेंगे, टाइम कम रहेगा। तो बोर्डिंग प्रोसेस हमारा हो गया है, अब हम लोग लाइन में खड़े हैं वेट कर रहे हैं बोर्ड होने का और जो कार्ड से उन्होंने साइन करवाए थे अब वो हम लोग लाइन के एंड में दे देंगे। आई थिंक ये पूरी जो फेरी है वो बुक है तो लकीली मुझे मिल गए थे कल टिकट्स, मैंने कल ही इसकी रिजर्वेशन करवाई थी तो इंशाल्लाह आज हमारा ट्रिप कंप्लीट होगा। ऑरेंज काउंटी का जो एयरपोर्ट है वो भी बस यहाँ से लाइक फ्यू माइल्स अवे है तो देखिए लास्ट का नियर की फ्लाइट जा रही है। पीछे सारा ये लगोना निगो और क्रोना डेलमर बीच सारा एरिया है और यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया भी लगा है फेरिस फील वगैरह बेलबो आइलैंड पे। बुराक ये सनाया आर यू एक्साइटेड? और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है,
हम लोग जा रहे हैं क्रूज की तरफ। बहुत मजा आने वाला है। बस ये कि बड़ा का सनाया को भी थोड़ा दिखना पड़ेगा क्योंकि ये बैठते नहीं है एक जगह पे। तो देखते हैं अभी कैसा ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं। बराग तो बिजी है बहुत भाई। और बैठ गए हम लोग बोट पे, स्टार्ट होने वाली है जर्नी इंशाल्लाह। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी दिखा चुका हूँ पहले कि बेलबुआ फेरी से आप कार्ड लेके आ सकते हैं। ये न्यू पोर्ट से बेलबुआ फेरी जम्बोरी से जाती है और ये इसका स्टेशन है। ये छोटी छोटी रेंटल बोट्स भी हैं, लाइक $110 या $150 में आपको मिल जाती है आवर के लिए। तो ऑनलाइन ग्रुप ऑन से भी बुकिंग करा सकते हैं इसकी, तो ये भी अच्छी तफरी है। ये welcome aboard the Patriot everybody. My name is Captain Hunter. I'm here with my crew of Ichiro and Tomas. The Coast Guard requires me to go over all the life jackets and safety equipment with you and to share the locations. Just so everybody knows where everything's located, we do have life jackets underneath the bench seats inside the cabin area and the galley. We do also have some life rafts up on the second deck. We have some thrill rings up here on the side of the wheelhouse. A few safety rules, please. No running, no jumping, no flying. Any parents really watch your kids, keep them with you. We do have a galley. The galley is open. Bye-bye. You guys are... ट्रिप स्टार्ट हुआ है तो अभी स्लो जा रही है बोट, तो आगे जाएंगे तो फास्ट स्पीड की बढ़ा देते हैं। 2 hours का ट्रिप है, लाइक 6 to 8 PM और देखें सारा। ये आपने हमारी वीडियोस में काफ़ी सारे हाउसेस देखे होंगे, ये सब वही कर डेनमार्क के लग्जरी हाउसेस हैं। पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं यहाँ पे और ये सारा वही एरिया है आपको पहले वीडियो में दिखा चुके हैं करोना डेलमर बीच का और सारे लग्जरी हाउसेस जो बने हुए हैं यहाँ पे। ब्यूटीफुल जगह है बहुत ही और इसको देखें ज़बरदस्त। हार्बर से बाहर आ रहे हैं हम लोग और अब डीप सी में जा रहे हैं और अब हम देखने वाले हैं व्हेल। और अब ये शुरू हो गया है पैसिफिक ओशियन और अब ये बस अब डीप सी की तरफ जा रहे हैं। Where's the dolphin? One of these guys pretty slow here. We don't want to spook them. They are splashing around, thrashing around. These guys are definitely feeding. But we were talking about the splashing part. Just got around dikhane ki dolphin. They are on their home schedule. They are feeding. You see how quick and how acrobatic they are underneath the water here. Sometimes they'll go through a bunch of these small fish and stun them with their tails. Come back and eat them up. Oh my god! If you see them turning on their sides, they take a look at you guys. They can see you just as clearly as you can see them.
डॉल्फिन्स तो नजर आ गई है उधर। Wow, they are jumping now. Wow. What up? Yes, you like dolphin? Sanaya, are you happy? Sanaya. Sana, are you happy? Are you excited? मैं बुराक तो आगे बैठ गए हैं अंदर क्योंकि हवा चल रही है तेज, है ना बुराक? तो हमने कहा थोड़ी देर अंदर के मजे भी लेते हैं, हम तो अंदर आके बैठ गए हैं। इनके पास देखिए स्नैक्स वगैरह भी है, अगर आप कुछ लेना चाहें, कॉफ़ी भी है और सब चीज़ें हैं, सैंडविचेस है, चीज़ कॉफी सैंडविच, और ये कॉफ़ी भी दे रहे हैं फ्रेश। Do you guys have a French fries? No, we don't have French fries. Sorry. Don't have. Okay. No French fries, nahi hai inke paas. So we do have a Thomas in the cruise. So Thomas, I didn't see any whales today. What happened? So I mean, it could be a time of day thing. We saw some whales earlier today. Today? Yeah. We saw a nice blue whale earlier today. But yeah, I mean. It just depends trip to trip. Could be time of day. So normally what time is better? Like early morning or evening? It depends. It just depends on baits in the area, you know. We saw a lot of dolphin, which is cool. Okay. But yeah, I mean, it just depends day to day, trip to trip. Actually a few years ago we were here, we saw a lot of dolphins. Not only single, like I will say more than 100 dolphins together. Yeah, they were jumping around. Yeah, so I mean, dolphins are pretty common around here. Also sea lions, see a lot of sea lions on the bell buoy, like over there and stuff. Blue whales are always cool to see out here. It's always a gamble if you're gonna see them, but I mean, you never know with the ocean. Thank you so much. Ab back side par hai hum log ferry ke, ye back side par aa gaye hain, aur yahan pe samne dekhe ye sab Irvine aur Newport का एरिया सब नज़र आ रहा है हमें, लगुना निकल्स, लगुना बीच। व्हेल नज़र नहीं आई अभी तक, डॉल्फिन तो हमने देख ली, तो वी आर वेटिंग फॉर द व्हेल। ये कहीं ना कहीं तो स्टॉप करेंगे व्हेल के लिए, समटाइम ऐसा भी होता है कि व्हेल ही नहीं होती व्हेल वॉचिंग में, लेट्स सी क्या होता है। ये सारा अंदर का तो आपको दिखाई चुका था पहले, तो अंदर भी स्मॉल है, ये फिक्स्ड सिटिंग एरिया। और शर्मीन और सनाया यहाँ पर है। टाइम शुरू हो गया है हमारी पार्टी का, बराग और सनाया। बराग
अंदर आ गए हम लोग। अभी वेल तो कहीं नज़र नहीं आई, अब 1 आवर तो हो गया ऑलमोस्ट। तो अनाउंसमेंट कर देंगे अगर कुछ होता है, वेल्स अगर नज़र आती हैं तो दोबारा बाहर चले जाएंगे, अदरवाइज अंदर आके बैठ गए हम। तो वी डू हैव अहमद एंड मोहम्मद एंड अब्दुल रहमान फ्रॉम सऊदी अरब, सो दे आर विजिटिंग हेयर इन कैलिफोर्निया and they are staying these days in Irvine. So how do you like California so far? An excellent place, really. There is time for me and my kids. Yeah, they told me they already visited lot of places like Disneyland and other city, other places. Universal? Yeah. So I told him to go Catalina Island as well. This Catalina Island and San Clemente is also beautiful, and lot of things in San Diego. San Diego, we went for Sea World. Yeah. We want to see the wild animals. Is it there also? Wild animals. You can go to San Diego Zoo and San Diego Safari. Safari. Yeah, safari is also good. ये आ गई हैं दोबारा से डॉल्फिन. Not put on a really big show, but they're swimming around and they're showing you what they can do. Definitely chasing some small bait fish around here. वेल का तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा आज भी वेल वॉचिंग पे, लेकिन एटलीस्ट डॉल्फिन जो है वो नज़र आ गई हैं। तो लुक एट द व्यू, ब्यूटीफुल। ये भी सनसेट होने वाला है। She's so excited. Kids खुश हो रहे हैं देख के, सी लाइन्स भी आ गए यहाँ पे भाई। सनाया Bye sea lions, bye. ये तो सब सो रहे हैं यहाँ पे, खा पी के सो रहे हैं। We are back to the terminal now. Ab offloading hogi yahan pe. Hi Tun, how are you? How was your trip so far? I see a lot of dolphins and seals. Yeah. Good. How was yours? Yeah, but we didn't see any whales, so we came for the whales, but at least dolphin. So gotcha. Something. Nice yeah. meeting you. Yeah, thank you. Overall acha raha trip. Relaxing tha kafi. और बच्चों ने भी बहुत अच्छा बिहेव किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैलबोआ
पंजो ने बुराकस नया को यहाँ आ रहा था, तो अब दोनों यहाँ पर हैं। शर्मीन भी यहाँ पे बच्चों के साथ प्ले टाइम। बाहर ये बहुत ही सीनिक व्यू लग रहा था मुझे बाहर ये, तो मैंने कहा इसको भी कैमरे की नज़र से देखी।